छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्राथमिक सहकारी समितियों के करीब 13,000 कर्मचारियों का वेतन और भत्ता 25% बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के कर्मियों की चल रही हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई है। अब 14 नवंबर से अपने निर्धारित तारीख से धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री साय की पहल से 6 साल बाद सहकारी समितियों के कर्मियों की मांग पूरी हुई है। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि साल 2018 में आखिरी बार कर्मियों के वेतन में वृद्धि हुई थी। अभी सहकारी समितियों के कर्मचारियों का वेतन 15,000 से 20,000 रुपए है। इसके साथ ही भत्ता भी 1,000 रुपए मिलता है। वेतन में 25% बढ़ोतरी से अब 18,750 से 25,000 रुपए तक मिलेगा। 10 नवंबर 2024 को सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और अपनी मांगों से अवगत कराया था। इसके 24 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए। देखा जाए तो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से सहकारी समितियों के 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर थे। इन 3 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से कर्मचारियों के वेतन में 25% की बढ़ोतरी, अंतरराज्यीय समिति के गठन और धान खरीदी में 28 फरवरी के बाद शेष बचे धान में सूखत को लेकर सहमति बन गई है। जिन किसानों ने खरीदारी के लिए ऑनलाइन टोकन कटा लिया है तो 14 नवंबर से उनके धान की ही खरीदारी की जाएगी। जिन किसानों ने ऑनलाइन टोकन नहीं लिया है उन्हें सोमवार और उसके बाद के तारीखों का ही टोकन मिलेगा। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बहुत से धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की सप्लाई नहीं हुई थी। बुधवार शाम तक ज्यादा से ज्यादा केंद्रों में बारदाने पहुंच जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही किसानों का टोकन काटना भी शुरू कर दिया गया है। तो सहकारी समितियों के वेतन वृद्धि को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।